कोरोना वायरस और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से लंबे वक्त से स्कूल बंद हैं और पढ़ाई ऑनलाइन मोड पर हो रही है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था, जिसके तहत आज से महाराष्ट्र में स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं। ये स्कूल 50% कैपेसिटी के साथ खुल रहे हैं और 50% ऑफलाइन मोड में पढ़ाई होगी, 50% ऑनलाइन मोड में क्लास होगी। साथ ही जो कोविड की SOPs हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा, जैसे कि सामाजिक दूरी, बच्चों का मास्क पहनना ज़रूरी है, एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा, लंच के समय बच्चों को दूर दूर बैठाया जाएगा। इसके अलावा जो कोविड की सभी गाइडलाइंस हैं उनको टीचर पूरा कराएंगे। लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। एक एजेंसी ने सर्वे कराया था तकरीबन 5,000 लोगों के बीच, जिसमें 67% पुरुष शामिल थे, 33% महिलाएं शामिल थीं। इस सर्वे में 67% तकरीबन 62% लोगों ने स्कूल खुलने का विरोध किया है, यानी कि 62% ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी भी चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल ना जाएं, जबकि 11% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पेरेंट्स का बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, इससे एक ही चीज़ साफ़ होती है कि सरकार का ये फ़ैसला गलत है, क्योंकि कोरोना की थर्ड लहर चल रही है, ऐसे में स्कूल खोलना कहीं जल्दबाजी का फ़ैसला तो नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से पक्ष आया है कि जो भी SOPs हैं उनका पूरी तरह से पालन कराया जाएगा, उसके बाद ही स्कूलों में पढ़ाई होगी और ये ख्याल रखा जाएगा कि कोई बच्चा कोरोना की चपेट में ना आए। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है जहाँ जहाँ स्कूल खुले हैं अच्छी खासी तादाद थी जब बच्चे कोरोना की चपेट में आए थे, उसमें से महाराष्ट्र भी एक है। महाराष्ट्र के भी तमाम बच्चे जब स्कूल पिछली बार खुले थे तो कोरोना की चपेट में आ गए थे। बहरहाल सरकार को इस पर एक बार विचार करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि कोरोना के साथ साथ देश में ओमिक्रॉन का ख़तरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हैदर अली, JK24।